Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अगर मैंने जिंदगी में कभी तुम पे पहले हाथ उठाया होता ना, तो आज तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ देता। उसका नाम है माहिम। अब क्या बताऊं आपको, इंतहाई अकड़, और मेरा मतलब है बहुत सुगड़, बाअदब, तमीजदार, खूब चिकनी। अब सॉरी, मेरा मतलब है बहुत खूबसूरत। तो क्या हम इस डर से आंखें बंद कर ले? For God's sake, नगमा, कुछ तो सबक सीखो रोमेला से।
वो अपने खानदान की इज्जत बचाने की बजाय अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है और तुम एक ओहो अपनी गलती का एहसास है या नहीं? नहीं, मगर मुझे आपकी गलती का एहसास जरूर हो गया। देखो रुमेला, तुम नगमा और सलीम को गलत समझ रही हो। और डैड आप उन सब को समझ ही नहीं रहे। समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। लाइट चली गई। माहीन, मैंने इतना अरसा तुम्हें मामा और डैड से मिलाने का इंतजार किया है, अब थोड़ा सा इंतजार तुम भी कर लो प्लीज। ओके, अब प्लीज जल्दी आ जाओ। माहीन शादाब, तुम्हें माहीन चाहिए और हमें 5 करोड़ रुपए। हमारी कॉल का इंतजार करो। मैं भी यही सोच रही हूँ नाइल, कहाँ रह गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। एक बात ये हो सकती है कि वो हमारे सामने आने से कतरा रहा। वैसे भाई तो है कौन? क्यों तंग कर रहे हैं आप इसे? इसने कहा तो है कि पहले उससे मिलवाएगी और फिर उसके बारे में बताएगी। हेलो हेलो साहिर, कहाँ हो तुम? भाभी मैं अभी तक मॉल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मालूम नहीं, मेरे साथ माहीन मजाक करी है। मैं आपको आके बताऊंगा। मुझे सलीम भाई का नंबर दे दीजिए प्लीज। घर का? घर का नंबर? घर का नंबर तो खराब है, सेल पे फोन करो ना। सेल फोन रिसीव नहीं करे वो। ठीक है, मैं उनके घर ही चला जाता हूँ। अच्छा सुनो, हुआ क्या है ये तो बता दो। भाभी सब कुछ आके बताऊंगा,
भाभी आप कह दीजिए कि आज माहीन से मुलाकात नहीं होगी, प्लीज जरा संभाल लीजिए। उफो, कुछ तो बोलो यार, सब इंतजार कर रहे हैं। कहा ना, आगे बताऊंगा। ओके क्या रिपोर्ट है रफीक? आपका पैगाम साहिर को मिल गया था जनाब, नदीम उसके पीछे है। खैरियत तो है? सलीम भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है कि मैं आज की रात माहीन के साथ गुजारना चाहूँ। तुमने अगर माहीन को उंगली भी लगाई तो मैं ये बता सकते हैं कि जो लास्ट कॉल आई थी वो नाजमाबाद के स्पेसिफिकली किस एरिया से की गई थी? नहीं मालूम तो हो सकता है, लेकिन जब तक फोन दोबारा ऑन ना हो हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। क्या रिपोर्ट है रफीक? आपका पैगाम साहिर को मिल गया था जनाब, नदीम उसके पीछे है। गुड, वेरी गुड। साहिर पर मुस्तकिल नजर रखना, उसके हर एक्शन की रिपोर्ट चाहिए। और लड़की फिलहाल हमें उसे बड़ी इज्जत से रखा हुआ है। देखो लड़की हमारी मंजिल नहीं, साहिर तक पहुंचने का रास्ता है, और मेरी इजाजत के बगैर उससे कोई बात तक नहीं कर सकता। बेहतर जनाब, और अगर साहिर पुलिस की मदद? मैंने कहा ना, मुझे साहिर की हर रिपोर्ट की एक्शन चाहिए, एंड दैट्स इट। अब तुम जा सकते हो। साहिर I'm gonna get you, Sahir. अरे आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। खैरियत तो है? आप सलीम भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मैं हेलो माहीन। सेल फोन तो उसी का है, लेकिन आवाज उसकी मौत की भी हो सकती है। क्या तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? कौन बोल रहा है? माहीन को पुलिस नहीं, तेरा बाप का पैसा बचा सकता। जो कहोगे मैं करूंगा। तुम बस मेरी एक बार माहीन से बात। कल सुबह 10:30 5 crore के साथ मुझसे मिलना, तैयार रहना, और मैं तुझे बताऊंगा कि कहां आना है। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम है। मैं जानता हूं इससे डबल कैश बहराम इस्फहानी घंटों में अरेंज कर सकता है, लेकिन मैं आज की रात मैं माहीन के साथ गुजारना चाहूंगा। तुमने अगर माहीन को उंगली भी लगाई तो मैं मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, और तू मुझे रोक भी नहीं सकते। अगर तुमने माहीन को जिंदा देखना है तो कल सुबह तैयार रहना, यू अंडरस्टैंड? देखो मैं हेलो हेलो
ये माहिन कौन है? I'd really appreciate it, सलीम भाई, अगर आप कहा सुना भूल जाए वरना बहुत जुल्म हो जाएगा। ये बता सकते हैं कि जो लास्ट कॉल आई थी वो नाजमाबाद के स्पेसिफिकली किस एरिया से की गई थी? नहीं मालूम तो हो सकता है, लेकिन जब तक फोन दोबारा ऑन ना हो हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमें फोन ऑन करने का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा प्लीज एक रिक्वेस्ट छोटी सी और है कि अपने हमले से कहिए कि इस नंबर को मॉनिटर करता रहे और जैसे ही कोई अपडेट हो। नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मैं बल्कि माजरा चाहता हूँ कि आपको इतनी रात गई मैंने जहमत दी। नहीं नहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू। थैंक यू जी। सलीम अब तो मुझे बता दें कि क्या मसला है। साहिर जो है किसी माहिन नामी लड़की की वजह से परेशान है और साहिर ने जो लास्ट कॉल रिसीव की है वो भी माहिन के सेल से आई थी उससे। तो आप लोग माहिन को तलाश करना चाहते हैं मगर कैसे? GSM कनेक्शन का ये तो फायदा है कि फोन अपने मालिक के साथ सफर करते लम्हे बे लम्हे बदलती सिचुएशन से आगाह करता रहता है। लेकिन आप अभी खुद ही तो कह रहे थे कि जब तक सेल ऑन नहीं होगा तो ट्रेस कैसे होगा? पहले ये तो मालूम हो कि माहिन है कौन। सरीन हाँ बेटा सरीन सो रहे थे आप? अच्छा ये बताओ कि किसी माहिन नाम की लड़की को जानती हो? हेलो बेचारी माहिन तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही है। पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट देने को दिल कर रहा है। सुबह 10 बजे 1 करोड़ रुपए।
उस लड़की से तुम्हारा ऐसा क्या रिश्ता है कि वो तुमसे इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं? भाई रिश्ता है तो नहीं, बन तो सकता है ना। बच्चों वाली बातें मत करो और पुलिस को कॉल करो। पुलिस को कैसे फोन करूं? उन्होंने साफ साफ कहा है अगर मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूंगा तो वो माहीन को खुदा ना खास्ता। तो 5 करोड़ रुपए कहां से दोगे उन्हें? डैड को बोलोगे तो वो भी यही बोलेंगे। मैं डैड को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ये ठीक रहेगा, चलो साथ चलकर बात करते हैं। हेलो। बेचारी माहीन तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही। पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट देने को दिल कर रहा है। सुबह 10 बजे 1 करोड़ रुपए। देखो मैं हेलो हेलो साहब जी, हम रस्ते में बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारा आर्केट। काइंडली आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन गाइड कर सकते हैं? जी साहब जी, हम रस्ते में बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारा आर्केट। काइंडली आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन गाइड कर सकते हैं? जी ओके, आई विल बी देयर विद इन 10 मिनट्स। थैंक यू। फैज स्पीड बढ़ाओ और सायरन ऑन करो। सर इस तरह वो खबरदार तो नहीं हो जाएंगे? हम नहीं जानते कि इलाके में इस वक्त कहां छुपे हैं। उनका सामने आना जरूरी था कि वो गलती करें, हमें पकड़ ले। कम ऑन स्पीड बढ़ाओ।
अब किसके इंतजार है? चलो डैड से बात करते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ कि वो इतने घंटे किसी और के पास रही है, पता नहीं डैड और मम्मी उसे माहिन की जिंदगी ज्यादा अहम है या इस घर में उसका मुस्तकबिल। यार मसला ये है कि मैं क्या हो रहा है भाई? बात यह है कि मैं इस बार माहिन का फोन बात करूं। माय डैड मैं आपको बताता हूं। क्या बताओगे? वो सरगोशियां इतनी करते हो तुम लोग यार। एक्चुअली डैड बहुत परेशान था, सुबह से समझा रहा हूं, लेकिन आपसे बात बंद करो यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा साहिर। साहिर वो जानते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुई तो वो मुझे क्या हो गया तुम्हें? मतलब तुम्हें मुझसे दूर कौन कर सकता है? मैं उनकी जान ना ले लूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन थे। अच्छा अपने ज़हन पे जोर डालो, कोई आवाज, कोई ऐसी निशानी जिससे जिससे उन तक पहुंच सके। जब मुझे होश आया तो वहां पुलिस आ चुकी थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। और माहिन वो शख्स जो तुम्हें ये कहकर ले गया था कि वो नायल है, उसको तो पहचानती होगी। तुम कितने खुदगर्ज हो साहिर, मुझे संभालने की बजाय अब भी तुम्हें उन लोगों की फिक्र है। मेरे जख्मों से ज्यादा तुम्हें अपनी मर्दानगी पर पहुंचने वाली चोट की तकलीफ है। अरे नहीं माहिन, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जो सजा मुझे तुम्हारे ताल्लुक की वजह से मिल रही है उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं। मुझे यहां तो माहिन के पास खुद जाना होगा या फिर फोन पे बात करनी पड़ेगी। यार जहां तक मैंने तुम्हारे मुंह से माहिन के बारे में सुना है, मुझे तो नहीं लगता कि उसे सहारे की जरूरत है। तुम्हारा आज रात वहां जाना तो जरूरी था लेकिन सच जानना नहीं। यार नायल मुझे एक बात समझ नहीं आई कि माहिन ने सच्चाई को छुपाने की पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन में अक्सर विक्टिम अपनी तकलीफ यादों को भुलाने की कोशिश करता है और इसे नर्वस सिस्टम का हिफाजती निज़ाम कह सकते हैं।
भाभी से शादी करने का ये फायदा तो हुआ कि तुम आधे नर्स बन गए और आधा कुक भी। बस अंडा बॉईल करना आ जाए तो जिंदगी में कोई रिग्रेट ना रहे। यार नाइल, आई थिंक मुझे यहाँ तो माहिन के पास खुद जाना होगा या फिर फोन पे बात करनी पड़ेगी। यार जहाँ तक मैंने तुम्हारे मुंह से माहिन के बारे में सुना है, मुझे तो नहीं लगता कि उसे सहारे की जरूरत है। तुम चल करो और कॉफी पियो, और इससे ज्यादा देर मैं अपनी नई नवेली दुल्हन से दूर नहीं रह सकता। सो गुड नाइट। गुड नाइट। मोहब्बत में डर और मोहब्बत से डर दो अलहदा अलहदा चीज़ें होती हैं साहिर। तुम मोहब्बत में डरते रहे हो और अब मैं मोहब्बत से डरने लगी हूँ। कल के वाक्य के बाद तुम्हें और मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसीलिए मैं चंद दिनों के लिए अपनी खाला के पास ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। जल्द वापिस आऊं या ना आऊं, मगर देर होने से पहले जरूर आ जाऊंगी। तुम्हें अपना इंतजार तो नहीं, अलबत्ता उम्मीद करने के लिए जरूर कहूंगी। तुम्हारी माही। कैसे हो सकता है हर बार ये ठंडा हमें मिलता रहा, हमारे रेट्स को कम्पीट करना किसी के पास में नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि मेरे डिपार्टमेंट में अब भी कोई भेदी मौजूद है। तुमने वक्त के कुछ सिक्के मेरी झोली में डाल दिए। तुम्हारा मतलब पूरा हो गया तो अब तुम मुझसे मिलने से कतरा रही हो। क्या चाहती हो तुम कि मैं दोबारा से रोमैला को समझाने की कोशिश करूं? रोमैला जिस राह पर चल निकली है आज ही तो कल बेहाम अंकल और तरक्षा आंटी पर ये बात खुली जाएगी। चार साल से किसी एक भी डायरेक्टर ने तुम्हें कास्ट नहीं किया, कोई तो वजह होगी ना? वजह सिर्फ ये है कि मेरे पास अपना सीरियल फाइनेंस करने के लिए पैसा नहीं है। अगर तुम ये चंद हजार के लिए भी जाए ना, मुझे 20-25 लाख दे दोगी तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। ओके, मैं मामा डैड को बता दूंगा, लेकिन इस बार तुझे मेरे पास उठना होगा। यही करना पड़ेगा यार, मामू जान तो रिश्ता ना जोड़ने पर रिश्ता तोड़ चुके हैं। अरे मेरे यार के लिए रिश्तों की कमी है क्या? सारा जहां तुम बिन ना।
आगे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार, तुम बिन आगे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। रिश्ता है प्यार का।